जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। मेरा आज का जो वीडियो है CISF, जी हाँ CISF में भी आप लोग की जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट आ चुकी है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, नए साल पे आप लोग को बहुत ही अच्छी अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी। CISF में भी आप लोग को भर्ती देखने को मिलेगी और भी भर्तियाँ आप लोग को आने वाली हैं। तो आज मैं आप लोग को जिसकी जानकारी देने वाला हूँ, आप लोग देख सकते हैं CISF की वेबसाइट है, इसका लिंक दे दूंगा। लिंक जैसे ही आप लोग यहाँ पे आएंगे, आप लोग देखेंगे सबसे ऊपर रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल मेल CISF इंग्लिश PDF, हिंदी PDF दोनों पे से जिस पे आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोग का जो है यहाँ पे नोटिस ओपन हो जाएगा। नोटिस ओपन होने के बाद आप लोग देखेंगे इस प्रकार का आप लोग का नोटिस आ जाएगा। लिंक आप लोग को दूंगा, आप लोग रीड कीजिएगा। किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके आप लोग इसके लिए एलिजिबल है या नहीं। तो BSF के बाद नई रिक्रूटमेंट जो आप लोग की बड़ी रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है वो है आप लोग की CISF। जी हाँ, CISF ने भी अपनी रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाल दी है। CISF में आप लोग की वैकेंसी निकली है कांस्टेबल की पोस्ट पर, कांस्टेबल फायर। ओनली और ओनली मेल कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। 29 जनवरी 2022 से आप लोग के यहां पे ऑनलाइन अप्लाई है जो कि 4 मार्च 2022 तक चलने वाले हैं। क्लोजिंग डेट 4 मार्च 2022 है। बिल्कुल क्लियर आप लोग को कर दूं, फायर की वैकेंसी है, कांस्टेबल फायर मेल कैंडिडेट। जी हाँ, एक ट्रेड है आप लोग की यहाँ पे, फायर की ट्रेड है, मेल कैंडिडेट, कांस्टेबल वैकेंसी है। ऑनलाइन आप लोग अप्लाई होंगे, मेल कैंडिडेट यानी कि मेल इंडियन नागरिक ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल फायर की वैकेंसी है और आप लोग 21,700 से 69,100 आप लोग की यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा आप लोग को पेंशन स्कीम के बारे में बताया गया है जो कि कंट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम है यहाँ पे फिजिकल। जी हाँ, सबसे पहले आप लोग का यहाँ पे होने वाला PET PST के बाद आप लोग का रिटर्न एग्जाम आप लोग का OMR या फिर कंप्यूटर बेस्ड किसी भी तरीके से हो सकता है, यहाँ पे इन्होंने खुलासा नहीं किया है। साथ में होने वाला आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। जी हाँ, आप लोग का यही सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है जो आप लोग का रहता है, यानी कि फिजिकल के बाद आप लोग का रिटर्न के बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल यहाँ पे होने वाला है। ऑनलाइन आप लोग के फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। PET PST रिटर्न एग्जाम और आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल मेडिकल यहाँ पे आप लोग का होने वाला है, DME RME। ठीक है, कंप्यूटर बेस या फिर आप लोग का OMR बेस किसी भी तरीके से एग्जाम हो सकता है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोग को जो है यहाँ पे एग्जाम पेपर मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैकेंसियाँ आप लोग की स्टेट वाइज, जी हाँ स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। और इसके अलावा आप लोग को बताया गया है डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल, आप लोग यहाँ पे देखिए स्टेल डिटेल मेडिकल वगैरह में। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे, रीड करेंगे, कुछ समझ में आया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे स्केल आप लोग की 21,700 से 69,100 रुपये आप लोग की सैलरी रहने वाली है। ओनली और ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वैकेंसी की जानकारी यहाँ पे दी गई है, सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी आप लोग की स्टेट वाइज दी गई है। जी हाँ, स्टेट वाइज आप लोग देख लेंगे और आप लोग की कैटेगरी क्या है उसके अनुसार आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। टोटल एक ट्रेड आप लोग का यहाँ पे फायर की ट्रेड है, तो आप लोग देखेंगे एक ट्रेड अंडमान निकोबार की आप लोग की वैकेंसी, 0 निकल के आ रही है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में आप लोग की जो है यहाँ पे एंटायर स्टेट और आप लोग की नक्सल एरिया दोनों जगह आप लोग की वैकेंसी निकली 28 और 51। इसी तरीके से आप लोग देख लेंगे जनरल EWS SC ST OBC किसकी कितनी वैकेंसी है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम में देखेंगे आप लोग की पूरी 103 वैकेंसी, बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है आसाम के अंदर। बिहार में आप लोग देखेंगे एंटायर स्टेट और नक्सल एरिया दोनों जगह वैकेंसी 58 और 65। इसी प्रकार से चंडीगढ़ में आप लोग की कम वैकेंसी, 1 है। छत्तीसगढ़ में आप लोग देखेंगे 14 और 26, जी हाँ नक्सल एरियाज के लिए भी है। दादा नगर हवेली में कोई वैकेंसी नहीं। दिल्ली में 10, गोवा में 1, गुजरात में आप लोग देखेंगे 34, हरियाणा में 14, हिमाचल प्रदेश में 4, जम्मू कश्मीर में 41 निकल के आ रही है। इसी प्रकार से झारखंड में आप लोग की जो एंटायर स्टेट और नक्सल एरिया दोनों है 18 और 69 वैकेंसी है। कर्नाटक में आप लोग देखेंगे 34, केरल में 19, लद्दाख में आप लोग की 1, लक्षद्वीप में आप लोग की 0 है। मध्य प्रदेश में आप लोग की जो है टायर स्टेट और नक्सल एरिया दोनों जगह 41 और 9 वैकेंसी है। महाराष्ट्र में आप लोग देखेंगे एंटायर स्टेट और नक्सल एरिया 73 और 7 वैकेंसी, बहुत ही अच्छी वैकेंसी महाराष्ट्र में। मणिपुर में आप लोग की 11, मेघालय में आप लोग की 13 निकल के आ रही है। मिजोरम में आप लोग की 5, नागालैंड में 7, उड़ीसा में 24, पांडिचेरी में 1। ठीक है, ओडिशा में आप लोग का एंटायर स्टेट और नक्सल एरिया 2 है। इसके अलावा पंजाब में आप लोग की 16 है, राजस्थान में 29, सिक्किम में आप लोग की 1 वैकेंसी नहीं निकल के आ रही है। तमिलनाडु में आप लोग देखेंगे 41, तेलंगाना में आप लोग के एंटायर स्टेट और नक्सली एरिया दोनों जगह 20 और 10, त्रिपुरा में आप लोग की 15, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकल के आ रही है 112 वैकेंसी। आसाम के बाद सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश में 112 वैकेंसी। जनरल SC ST OBC EW सभी के लिए वैकेंसी है। उत्तराखंड में 6 है, वेस्ट बंगाल में 51 और 3 वैकेंसी। टोटल 1149 वैकेंसी।
उत्तर प्रदेश और आसाम में बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है, तो आप लोग देखेंगे वैकेंसियां घट बढ़ सकती हैं, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। 10% वैकेंसी ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन वालों के लिए रिजर्व है, और स्टेट वाइज मैंने आप लोग को बता दिया कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। डोमिसाइल और परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए, दोनों में से कुछ ना कुछ आप लोग के पास होना चाहिए, वहीं के लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ का आप लोग का डोमिसाइल है, जिस स्टेट से आप लोग हैं। इसके अलावा अपॉइंटमेंट में के बाद आप लोग को जो एनीवेयर इंडिया कहीं पे भी आप लोग की पोस्टिंग दी जाती है, SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन सब भी के लिए यहाँ पे आप लोग को रिजर्वेशन दिया गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वैकेंसी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आप लोग की एलिजिबिलिटी, आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, किस बेस पे आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, आप लोग होने चाहिए 12th pass, जी हाँ 12th pass आप लोग यहाँ पे होने चाहिए साइंस स्ट्रीम में, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई। 12th pass आप लोग हैं साइंस से, यानी कि आप लोग के पास फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल क्लियर कर दिया है। 12th आप लोग का साइंस स्ट्रीम से है, आप लोग पास एलिजिबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज आप लोग की 18 से 23 साल यहाँ पे रहने वाली, लास्ट डेट को आप लोग की एज यहाँ पे काउंट होने वाली है, जी हाँ लास्ट डेट आप लोग की जो है उसके उसको आप लोग की एज काउंट होगी, यानी कि 4 मार्च 2022 को एज की डिटेल आप लोग को दी गई है, ठीक है। सभी को बेनिफिट मिलेगा 18 से 23 साल जर्नल वालों के लिए, SC ST वालों को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को जैसे मिलता है, चिल्ड्रन इन सब चीज़ों को जैसे मिलता है आप लोग को यहाँ पे मिलेगा, यानी कि 18 से 23 साल जनरल वालों की एज है, लास्ट डेट को एज काउंट होगी। फिजिकल स्टैंडर्ड की जानकारी आप लोग को दी गई, हाइट 170 होनी चाहिए, चेस्ट आप लोग की 80-85 होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का मतलब कि यहाँ पे फुलाव देखा जा रहा है। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है फिजिकल स्टैंडर्ड डिफरेंट कैटेगरीज के लिए भी, यदि आप लोग गढ़वाली कुमायूं हिमाचल प्रदेश डोगरा मराठा सिक्किम नागालैंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आते हैं आप लोग, तो 165 सेंटीमीटर हाइट और चेस्ट आप लोग की 78-83 यहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप लोग ये आप लोग देखेंगे सब डिवीज़न ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट लोहगाट, ठीक है, रामगुल बच्ची आप लोग देख, ये सब इन जगहों से आप लोग आते हैं, तो आप लोग इसके अलावा यदि आप लोग ट्रिबल और आदिवासी इंक्लूडिंग मीजा और नागालैंड है तो आप लोग 162.5 सेंटीमीटर और आप लोग की यहाँ पे जो है चेस्ट है 77 और 82 आप लोग का होना चाहिए, तो ये सब आप लोग देखेंगे। बाकी की जानकारी के लिए मैं आप लोग को न्यू वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, अभी आप लोग रिक्रूटमेंट की जानकारी लीजिए। वेट आप लोग का हाइट के अकॉर्डिंग होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोग को बता दिया गया, टैटू वगैरह की जानकारी दी गई आप लोग इसे पढ़ लेंगे, कहाँ पे टैटू हो सकता है कहाँ पे टैटू नहीं हो सकता पूरी जानकारी दी गई। इसके अलावा चिल्ड्रन है आप लोग तो आप लोग देख लेंगे, ठीक है, डॉक्टर वगैरह तो इनको भी आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, एक्स सर्विसमैन है उनको भी यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है जैसे मिलता है, और सर्टिफिकेट फॉर्मेट की बात जो आप लोग का सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट वगैरह यहाँ पे बताया गया, SC ST OBC से हैं तो आप लोग यहाँ पे जो सेंट्रल स्टेट सेंट्रल फॉर्मेट का ही आप लोग का होना चाहिए, और डोमिसाइल या फिर परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट आप लोग का यहाँ पे होना चाहिए जहाँ के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आप लोग ये सब चीज़ें रीड करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आप लोग को बता दूंगा। तो लास्ट डेट से पहले आप लोग के सभी डॉक्यूमेंट सभी चीज़ें रेडी होनी चाहिए, चाहे वो आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो वो भी आप लोग की लास्ट डेट तक कंप्लीट होनी चाहिए। हाउ टू अप्लाई की जानकारी दी जाए तो हाउ टू अप्लाई में सबसे पहले आप लोग का रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई होने वाला, रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई होगा। फोटोग्राफ वगैरह आप लोग को अपलोड करना है जो कि 20 से 50 KB का यहाँ पे होना चाहिए फोटोग्राफ, ध्यान रखिएगा 3 मंथ से पुराना आप लोग का नहीं होना चाहिए फोटोग्राफ, आप लोग रेडी करके रख लेंगे क्योंकि 29 जनवरी से आप लोग के यहाँ पे फॉर्म अप्लाई है। और इसके अलावा आप लोग को जो है क्लियरली प्रिंट होना चाहिए, फोटो वगैरह ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा सिग्नेचर आप लोग का 10 से 20 KB का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा फोटो 20 से 50 KB का, सिग्नेचर आप लोग का 10 से 20 KB का, डॉक्यूमेंट आप लोग के PDF फॉर्मेट में होंगे। और इसके अलावा आप लोग को पूरी जानकारी दी गई, लास्ट डेट आप लोग को बता दिया गया 4 मार्च 2022 है, और आप सबमिट करेंगे, ठीक है, अपने समय से पहले ही आप लोग फॉर्म सबमिट कर देंगे, लास्ट समय का वेट नहीं करेंगे। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये यहाँ पे आप लोग की लगने वाली है जनरल ओबीसी कैंडिडेट के, इसके अलावा यदि आप लोग SC ST ESM कैंडिडेट हैं तो आप लोग कोई भी फीस यहाँ पे नहीं देनी है। तो ये सब चीज़ें आप लोग देखेंगे, ऑनलाइन आप लोग की पेमेंट होगी, ठीक है, UPI से कर सकते हैं, SBI से कर सकते हैं। एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन की जानकारी दी है, सबसे पहले आप लोग का PET PST होने वाला है, PET PST, और इसके बाद आप लोग का रिटर्न एग्जाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। PET PST आप लोगों को बताया गया है, 10 दिन पहले आप लोगों को एडमिट कार्ड वगैरह दे दिया जाएगा PET PST का, और आप लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, सारे डॉक्यूमेंट यानी कि ओरिजिनल फोटोकॉपी वगैरह पैन कार्ड वैन कार्ड जो भी आप लोग, ठीक है, जैसे ही आप लोग एडमिट कार्ड आएंगे पूरी जानकारी देंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले बता दिया गया PET PST आप लोग का यहाँ पे होगा, सबसे पहले आप लोग का यहाँ पे फिजिकल ही होने वाला है PET PST आप लोग का, जी हाँ, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि सर फिजिकल में ये बताइए रनिंग कितनी है, रनिंग 5 किलोमीटर 24 मिनट, जी हाँ 5 किलोमीटर 24 मिनट, ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए 5 किलोमीटर सिर्फ 24 मिनट आप लोग को दिया है, फीमेल कैंडिडेट की जानकारी नहीं है।
क्योंकि फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकती हैं। PHT फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की जानकारी दी है, रनिंग के साथ साथ आप लोग को यहाँ पे हाइट वेट चेस्ट होगा, हाइट के बारे में जानकारी दी है मैंने, 170 सेंटीमीटर चेस्ट आप लोग की 80-85 होगी। और इसके अलावा यदि आप लोग इन कैटेगरी से आते हैं, गढ़वाली कुमारी डोगरा मराठा, 165 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होनी चाहिए और 78-83 आप लोग की यहाँ पे चेस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग यदि आप लोग नागा ट्रिबल मिजो और नागा वगैरह इन आदिवासी इनसे बिलोंग करते हैं कैंडिडेट, तो 162.5 सेंटीमीटर और 77-82 आप लोग की यहाँ पे चेस्ट होनी चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी। इसके बाद आप लोग का रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम आप लोग का OMR बेस्ड भी हो सकता है और कंप्यूटर बेस्ड भी आप लोग का यहाँ पे हो सकता है, किसी भी तरीके से आप लोग का एग्जाम हो सकता है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे आप लोग के, 120 मिनट के आएंगे, 2 घंटे में आप लोग को 100 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें कि आप लोग की रीजनिंग आएगी, जनरल नॉलेज आएगी, मैथ आएगी और हिंदी इंग्लिश में एक सब्जेक्ट आएगा। बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे SSC GD वाला आप लोग का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, कोई माइनस मार्किंग अभी तक तो यहाँ पे शो नहीं हुई है। आने वाले समय में आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा, यदि चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप लोग को मिलते रहें। इसके अलावा आप लोग का जो एग्जामिनेशन होगा वो 12th स्टैंडर्ड का ही होने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 12th लेवल का आप लोग का यहाँ पे एग्जाम होगा और मेडिकल वगैरह की जानकारी दी आप लोग पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जानकारी दी गई, ठीक है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, मोड ऑफ सिलेक्शन आप लोग को बता दिया गया, मोड ऑफ सिलेक्शन आप लोगों का PET PST रिटर्न एग्जाम के बेस पे आप लोग को होना, जो सिलेक्शन आप लोग का रिटर्न एग्जाम के बेस पे ही होने वाला है, बाकी चीज़ें आप लोग की क्वालिफाइंग नेचर की होगी। रिटर्न एग्जाम यदि आप लोग जनरल EWS एक्स सर्विसमैन है तो 35% और SC ST OBC से है तो 33% आप लोग को मिनिमम पासिंग मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद आप लोग की मेरिट लगेगी, कट ऑफ लगेगी, स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज आप लोग की जो है यहाँ पे कट ऑफ लगेगी, चाहे वो आप लोग की 60 बजाय, 65 बजाय, 70 बजाय, कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज आप लोग की यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है। तो आने वाले समय में आप लोग को जानकारी मिलती रहेगी, मेरिट लिस्ट आप लोग को देख लिया, टाई अगर ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे, और कोई इसमें आप लोग इंपॉर्टेंट यदि लगता है तो आप लोगों के लिए जरूर मैं वीडियो बनाऊंगा। मेडिकल एग्जामिनेशन की जानकारी दी है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए हैं आप लोग को, ये आप लोग रीड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा, जी हाँ, ऑनलाइन अप्लाई होते ही 29 तारीख को मैं आप लोग को इसका वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो पूरी जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है। इसके बाद आप लोग को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। ऑनलाइन अप्लाई वाले वीडियो का वेट कीजिए, वो वीडियो भी मैं ही आप लोग के लिए लेके आऊंगा। बट अब भी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, चांस पे लिखूंगा, यदि चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।